हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केकड़ा से जुड़ी कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए जो शायद ही आपको पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाले समय में आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। कि पूरी दुनिया में 4500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। उत्पत्ति को डायनासोर काल से माना जाता है। इनके आकार और शेप के बारे में बात की जाए तो इनके पास 10 पैर होते हैं। आगे वाले दो डंक हाथ की तरह काम करते हैं, जिनको हम चेला के नाम से जानते हैं। और अगर इनकी आंखों के बारे में बात की जाए तो इनकी आंखों में बहुत कई सारे लेंस लगे होते हैं और ये पानी में भी आसानी से देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं केकड़ों को सुरक्षा क्या प्रदान करती है? इसकी पीठ पर एक खोल होती है, जिसे हम स्केलेटन के नाम से जानते हैं, वही इसे सुरक्षा प्रदान करती है। अगर इनके खाने के बारे में बात की जाए तो ये दुनिया भर में कई स्थानों पर खाए जाते हैं। कई लोगों का तो ये पसंदीदा डिश भी है। जापान में कुछ ऐसे केकड़े पाए जाते हैं जिसे हम जापानी स्पाइडर केकड़ा के नाम से जानते हैं, जिनकी लंबाई या ऊंचाई 12 फीट तक होती है। और कुछ केकड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम पी क्रैब के नाम से जानते हैं, जिनकी लंबाई 0.5 इंच से भी कम होती है। केकड़ा हमारी ही तरह मांसाहारी और शाकाहारी जीव होते हैं, या मांस और घास दोनों ही खाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये खाने को मुंह में चबाते नहीं हैं, ये सीधा ही निकल जाते हैं। इनको तोड़ने और पचाने का काम इनके पेट में होता है। केकड़े के शिकारी जानवरों में पक्षी मछली होती है। नर केकड़ों का आकार त्रिकोणीय होता है, यानी त्रिभुज के आकार का होता है, और मादा का पेट गोलाकार या बेलनाकार होता है। नर केकड़ों के पंजे मादा से बड़े होते हैं। अगर इनके प्रजनन काल की बात की जाए तो 1 से 2 सप्ताह का होता है। यह एक बार में लगभग 2000 तक अंडे दे देती है। अगर इनकी उम्र के बारे में बात की जाए तो इनकी उम्र औसतन 3 से 4 साल होती है, लेकिन जापानी केकड़ा इससे भी ज्यादा जीता है। अगर इनकी लड़ाई में इनका पैर खो जाए तो 1 साल बाद वह पुनः वापिस आ जाता है। ज्यादातर केकड़ों के पास मछली की तरह गलफड़े और कुछ केकड़ों के पास गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर ही सकते हैं। केकड़ों के झुंड को कास्ट कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी केकड़े झुंड में ही रहते हैं। कुछ केकड़े ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे कि ये समुद्र के किनारे मिल जाते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे आपको आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।